नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाया हूँ। देखिए, ये डिज़ाइन ऐसे तिरछे की तरफ से जाएगा और हर सीधी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए, सामने की तरफ से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ से ऐसा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे लेडीज़ कार्डिगन में, चाहे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, कोटी में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, इसे आप शॉल में डालिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टॉल में डालिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसे बनाने के लिए हमें 18 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा। ये डिज़ाइन 12 फंदे में बना है और ये जाली वाला डिज़ाइन 6 फंदे में, फिर 12 फंदे में ये डिज़ाइन पड़ा है, ये बीच वाला डिज़ाइन, फिर 6 में ये जाली वाला डिज़ाइन और 3 फंदा साइड से। 3 फंदा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो डिज़ाइन मैं इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझिएगा। तो हम बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। आपको अगर प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा लेंगे और उल्टी लाइन में सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन का बेस लाइन तैयार हो जाएगा। अब हम तीसरी लाइन से अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और ऐसे 2 फंदों को लेंगे, ऐसे नीट वाइज आप सिलाई डालिए, 1 और 2, 2 फंदों को लेंगे और बैक लूप से हम, देखिए ऊन हमारा हमारी तरफ है, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया और जाली से एक फंदा वापस बढ़ भी गया, यानी जितने फंदे थे उतने वापस हो गए। अब फिर हम उनको अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को लेंगे, ऐसे नीट वाइज सिलाई डालिए, 1 और 2, और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, 1, 2, दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन हमारा हमारी तरफ है, यानी जाली डालते हुए 2 का एक करेंगे। फिर 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4। ऊन को दूसरी ओर करेंगे और 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4। तो 4 फंदे को हम छोड़ देंगे और इन्हीं 18 फंदों को हम पूरी लाइन में बार बार रिपीट करेंगे। तो ये एक डिज़ाइन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब फिर हम ऊन को अपनी ओर करेंगे। अब देखिए, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, यहाँ से हमारा जाली स्टार्ट होगा, 2 फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए 2 का एक करेंगे। फिर हम ऊपर अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक। तो ये हमारा जाली वाला डिज़ाइन हो गया। अब हम 4 फंदे को सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। ऊन अपनी ओर, 4 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, और लास्ट में 3 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। हर लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जाएगा। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, हर उल्टी तरफ हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। तीसरी लाइन और सामने से, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और अब 4 फंदा सीधा बुनेंगे। डिज़ाइन एक फंदा इधर खिसक गया है। अब देखिए, पहले 3 फंदे थे, यानी जाली के बाद 4 फंदे थे, अब हो गए 5। 2, ये देखो, और फिर हम ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए 2 का एक।
उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक। फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक करेंगे। तो ये हमारा जाली वाला डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब इन 12 फंदों का डिज़ाइन, तो चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, उन अपनी ओर, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, फिर उन दूसरी ओर, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे हमारा 12 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे जाली वाला डिज़ाइन, तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। एक जाली पड़ गया, दूसरा उन अपनी ओर किया, दो फंदों को एक साथ लिया, जाली देते हुए दो का एक। उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लिया, जाली देते हुए दो का एक। अब फिर हमारा ये 12 फंदों का डिजाइन, तो चार फंदा सीधा, उन अपनी ओर, चार फंदा उल्टा, देखिए दो ही फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। अब आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन इधर घटता जा रहा है, इधर फंदे घटते जा रहे हैं और इधर फंदे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब पांचवी लाइन में देखिए, पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हैं एक दो तीन चार पाँच, तो हमको चार सीधा बनाना है और ये एक फंदा उल्टा हो जाएगा। यानी अब देखिए इधर घटता जा रहा है, चार सीधे थे फिर चार उल्टे, फिर यहाँ पे अब दो ही उल्टा बचा है। तो यहाँ पे चार सीधे हो जाएंगे, चार उल्टे और यहाँ पे एक उल्टा रह जाएगा। और इधर देखिए वो यहाँ पे उल्टा फंदा इधर आने लगा, तो उन दूसरी ओर अब चार सीधा, उन अपनी ओर, दो फंदे को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए एक सीधा, उन अपनी ओर, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए एक सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए सीधा। अब 12 फंदे का ये डिज़ाइन, तो चार फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, फिर ये छः फंदे का जाली का डिज़ाइन, तो उन अपनी ओर, दो फंदे को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक। उन अपनी ओर, दो फंदे को एक साथ लेंगे, जाली देते हुए दो का एक। उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक। अब चार फंदा सीधा, उन अपनी ओर, चार फंदा उल्टा, यहाँ पे एक ही फंदा बचा है तो इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हर सीधी लाइन में डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए एक फंदा उल्टा है, यानी इस लाइन में इसे स्लिप करेंगे, अब दो फंदा उल्टा हो जाएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर एक फंदा था, अब की दो फंदा उल्टा हो जाएगा उन दूसरी ओर। और देखिए ये चार फंदे, जाली के पहले वाले चार फंदे सीधे हो जाएंगे। तो बस हमें हर सीधी लाइन में स्टार्टिंग के समय ही हमें ध्यान देना होगा, बाकी डिज़ाइन जो का त्यों रहेगा। अब देखिए उन अपनी ओर करेंगे, अब जाली एक इधर चली जाएगी, तो दो फंदों को लेंगे और जाली देते हुए सीधा, फिर दो फंदों को लेंगे, जाली देते हुए ऐसे सीधा, उन अपनी ओर, दो फंदों को लेंगे, जाली देते हुए सीधा। फिर 12 फंदे का ये पैटर्न, चार फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, हर सीधी लाइन में
डिज़ाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है, तो इधर से फंदे घटते जाएंगे और इधर से फंदे बढ़ते जाएंगे, यानी अगली सीधी लाइन में यहाँ पे तीन उल्टे हो जाएंगे, फिर चार जाली, उसके अगली लाइन में चार उल्टे हो जाएंगे, चार सीधा ऐसे, इसके अगले लाइन में यहाँ पे दो उल्टे हैं तो अब एक फंदा और बढ़ जाएगा जाली की वजह से, तो तीन उल्टे हो जाएंगे और चार सीधा, फिर डिज़ाइन ज्यों का त्यों चलेगा। उसके अगले लाइन में तीन उल्टे रहेंगे, एक फंदा और बढ़ जाएगा, तो चार उल्टा चार सीधा हो जाएगा, यानी ये देखिए ऐसे ही ये होता चला जाएगा, ऐसे तिरछे तिरछे। तो डिज़ाइन बहुत ही आसान है और थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही हमें ध्यान देना होगा और डिज़ाइन ऐसे तिरछे की तरफ बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा, आप इसे अपने जेंट्स स्वेटर में भी बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में भी बना सकते हैं, शॉल में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, तो सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।